हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ। इसे थेपले भी बोला जाता है गुजरात में। और ये मैंने मेथी को अच्छे से धो के चॉप कर लिया है बारीक बारीक। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, इधर अजवाइन है ये, और ये हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। मैंने मेथी इसमें ऐड कर दिया है। मेथी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अजवाइन ऐड कर दिया मैंने इसमें, और ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। पहले इसे मिलाएंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद इसको अच्छे से गूंथना है। ये देखिए ऐसा डो बना लेना है, और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसे एक लोई ली है, लोई की तरह रोटी की तरह लोई ली है, और इसको बेल लेंगे अच्छे से। स्टफ्ड पराठों में दिक्कत ये होती है कि वो फटने लगते हैं, लेकिन ये ऐसे अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपको फटने की भी कोई दिक्कत नहीं है। बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। ये देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसे आराम से बेल लेंगे। इधर मैंने तवे को गरम कर लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के उसके बाद ये देखिए बनाएंगे। आप इसे देसी घी में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल का फ्लेवर अलग ही आता है, बहुत ही अच्छा लगता है सरसों के तेल में ये थेपला। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तेल लगा दिया है मैंने इसमें, इस तरफ भी लगा देंगे, और इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये। बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि मेथी बहुत ही अच्छा रहता है सर्दियों में। देखिए बन गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कितने अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।